Hey guys, good morning, welcome to my new video. तो आप सभी स्वागत है हमारे सिटिकल चैनल पर। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हेयर ड्रायर वायरिंग। तो हेयर ड्रायर आपने देखा ही होगा, तो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो यह होता है हेयर ड्रायर, जो बालों को सुखाने या किसी भी चीज को सुखाने के लिए करते हैं। तो हेयर ड्रायर में होने वाले पार्ट क्या क्या होते हैं? एक होता है इसमें रेक्टिफायर, और इसमें तीन स्विचे होते हैं, तथा एक मोटर होता है, एक हीटिंग एलिमेंट यानी हीटर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि हम पहले न्यूट्रल काम को खत्म करेंगे। चलो न्यूट्रल करते हैं। तो न्यूट्रल को वायरिंग करेंगे तो पहले न्यूट्रल को इस वाले पॉइंट पर ले आएंगे। ठीक है, अब आता है रेक्टिफायर में फेज। तो रेक्टिफायर में फेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको स्विच से ले जाएंगे। ठीक है, स्विच में ले आए। अब यहाँ पास क्या बनता है, आप इसको रेक्टिफायर को ध्यान से समझें। तो रेक्टिफायर में फेस और न्यूट्रल आ गया, तो अब प्लस माइनस बनेगा, तो इसको ध्यान से समझें। अब देखिए यहाँ पास है, इसमें चार डायोड का उपयोग होता है। ठीक है, एक डायोड, दो डायोड, थ्री डायोड और चार डायोड। तो चार डायोड को मिलाकर रेक्टिफायर बनाया जाता है। तो रेक्टिफायर को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। तो यहाँ पास क्या होगा, बदलेगा। तो एक इस प्रकार से बदलेगा, यहाँ से फेस मिलेगा और इधर दीवार है। ठीक है, डायोड तो इधर दीवार है, तो इधर की ओर जाएगा और यहाँ पास आ जाएगा फेस। और न्यूट्रल भी इस तरफ दीवार है, तो इस तरफ ना जाकर इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पास प्लस माइनस टकराव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पास बन जाएगा हमारा प्लस, और इस तरफ दोनों तरफ रास्ता नहीं है, तो यहाँ पास का मान क्या हो जाएगा, शून्य, हमारा माइनस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया माइनस, तो माइनस को ले जाएंगे, तो माइनस को दे देंगे हम मोटर पे और प्लस को दे देंगे फिर से मोटर को। तो मोटर को प्लस माइनस मिल गया। अब आता है हीटिंग एलिमेंट में, तो चलिए इसका भी वायरिंग करते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट को न्यूट्रल यहाँ से देंगे। ठीक है, इसको एक स्विच से देंगे और स्विच से बाहर से डालकर इसको हम दे देंगे हीटिंग एलिमेंट में। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट को न्यूट्रल मिल गया, अब बचता है फेस। तो फेस का काम यहाँ से होगा। ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट को फेस यहाँ से देंगे, तो फेस पहले इस स्विच में देंगे और इस स्विच से निकाल कर फेस हीटिंग एलिमेंट को मिल गया। तो हीटिंग एलिमेंट को फेस में न्यूट्रल मिल गया, मोटर को भी प्लस माइनस मिल गया। तो इस प्रकार से वायरिंग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर थ्री स्विच लिया, तो इन तीनों का क्या काम है, चलिए जानते हैं। तो इस स्विच के द्वारा मोटर की गति को नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, कम ज्यादा बेस कर सकते हैं। तो ये स्विच करता है हमारे हीटिंग एलिमेंट को, एलिमेंट होता है जो गर्म होता है, इसको यह कम ज्यादा करता है। ठीक है, जिससे गर्माहट अधिक या कम किया जा सके इस स्विच के द्वारा। अब इसमें आता है थर्ड स्विच यानी कि लास्ट स्विच। इस बटन को दबाए रहने से क्या होगा, न्यूट्रल प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण यह हीटिंग एलिमेंट नहीं जल पाएगा। इधर भले ही फेस मिलता रहे लेकिन न्यूट्रल तो नहीं मिल रहा है, तो इस कारण यह हीटिंग एलिमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। तो न्यूट्रल नहीं मिलने के कारण यह क्या हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी हीटिंग उत्पादन नहीं हो पाएगा, जिससे यह गर्माहट नहीं पैदा करेगा, तो जिससे यह कोयला नहीं जलेगा और सिर्फ ठंडी हवा फेंकेगा। तो इस प्रकार से तीनों स्विचों को लिया जाता है। तो हेयर ड्रायर आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।